सब्जेक्ट गुजराती, यूनिट नंबर 2 पोटला तबके तक की पढ़ाई करेंगे। तो अब हमने पहले आपको ये पोएम कहूंगी। पहला पंखी ने जो मने खाए एना जेवी जो पाठ मड़ी जाए तो अभरे उड़िया करो बस उड़िया करो घड़ियाल में 10 वागे टन 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 बा मने खोलवा लागे बचू क्या हूँ तो अभरे उड़िया करो ऊंचे ऊंचे उड़िया करो पेला डूंगरा की टोचे मारी पाठ जई पहुंचे बा ढींगरी जेवा बाबू ढींगरा जेवा नाना 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 जो हूँ तो छाना मना अभरे उड़िया करो अभरे उड़िया करो। तो मित्रों इस कोयल किसने लिखी है तो पिनाकिन त्रिवेदी ने। किसने लिखी है? पिनाकिन त्रिवेदी ने। तो इस पोएम की मैं आपको हिंदी में समझती दूंगी। पेला पंखी ने जोई मने खाई एना जेवी जो पाठ मड़ी जाए तो अभरे उड़िया करो बस उड़िया करो घड़ियाल में 10 वागे टन 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 यानी कि ये लड़की है वो क्या बोल रही है? पहले जो ऊपर जो बर्ड उड़ रहा है क्या बर्ड उसे देखकर मुझे ऐसा होता है मुझे भी ऐसे पंख मिल जाए। क्या होता है कि मुझे भी ऐसी पंख मिल जाए तो मैं भी उसके आकाश में उड़ती फिरूं उड़ती फिरूं। क्या बोल रही है? मैं भी आकाश में उड़ती फिरूं उड़ती फिरूं। घड़ियाल में 10 वागे टन 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 यानी कि घड़ी में जो 10 बजे है वो टन 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 बा मने खोड़वा लागे खोड़वा मीन्स ढूंढने बा मने खोड़वा लागे बचू क्या बचू क्या बचू क्या हूँ तो अभरे उड़िया करूँ यानी कि मम्मी मुझे ढूंढने लगती है। जैसे कि आप लोग के घर के नए मलक होते हैं स्कूल में नए मलक होते हैं और जो यहाँ घर है उसका नाम भी बच्चू है। बच्चू की घर मैं तो आकाश में उड़ती फिरूँ आकाश में उड़ती फिरूँ। बिना ढूंढा नहीं पहुँचे मारी पाठ जय पहुँचे बाढ़ी जेवा बापू ढींगला जेवा यानी कि जो बड़े बड़े माउंटेन से उसे गुजराती में क्या कहते हैं? डूंगर। मैं उतना ऊपर उठूं कि माउंटेन को टच करूं। मम्मी कहती है तो मम्मी डिंगली डॉल जैसे पप्पा कहते हैं पप्पा गुड्डे जैसे नाना 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 यानी कि छोटे 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 जो हूं तो छाना माना अभरे उड़िया करूं यानी कि आपने जो पेन में ट्रैवलिंग की होगी तो आपने देखा होगा कि ऊपर से जो आप विंडो से देखते हो तो नीचे ट्री माउंटेन ये सब कितने छोटे छोटे दिखते हैं ये सब एकदम छोटे छोटे ही देखते हैं। तो ये सब मैं देखती रहूं बस आकाश में घूमती रहूं। तो मित्रों आपको ये पोएम में समझ में आ गया तो नेक्स्ट देखते हैं पेज नंबर 70 वाटा वाचो वाड्रा में गोमल धुना भी ठंडी हती पवन धीमे धीमे वाटो हतो કુકડો કુકડે કુક કરતો હતો તે વખતે કેટલાક વાદળાને આકાશમાં ફરવા નીકળવાનું મન થયું। એક નાનું વાદળ બોલ્યું આ રાત અહીંથી જાય તો અંધારું મળે આપણે સારા સારા કપડાથી ફરવા જઈએ ને ગમત કરીએ। એક મોટા વાદળાએ દીવો સળગાવ્યો બધા વાદળાએ કપડાં પહેરવા માંડ્યા રાતા પીળા ગુલાબી જાંબલી એમ રંગબેરંગી કપડાં પહેરીને વાદળા ફરવા નીકળ્યા। નીચે થી લોકો કહેવા લાગ્યા કે સૂર્યોદય થાય છે દીવાની ઝોટ મોટી થઈ એટલે કેટલાક વાદળા પીળા ને ફીકા થઈ જવા લાગ્યા। એમણે પેલા મોટા વાદળાને આ રીતે ફરિયાદ કરી મોટા વાદળાએ કહ્યું બધા વાદળા ભેગા થઈ જાઓ અને દીવાને કહી દો કે એનું એકલાનું અહીં રાજ નથી। બધા વાદળા ભેગા થઈ જવા માંડ્યા ઘણા વાદળા ભેગા થઈને એક મોટા પહાડ જેવા કાળા વાદળાની પાછળ જઈને બેઠા। નીચેથી લોકો કહેવા લાગ્યા કે આકાશ ઘેરાવા લાગ્યું પણ દીવાનો દેશ પૂરું ધંધે નહીં તેના મોટા વાદળાએ પવનને મદદે બોલાવ્યો। પવનને તો એ જ ગમતું હતું એણે એનું કામ શરૂ કરી દીધું। નીચેથી લોકો કહેવા લાગ્યા કે વાવાઝોડું આવ્યું હવે વાદળા પવનની ખાડીમાં બેસી દોડવા લાગ્યા આકાશમાં દોડા દોડી ઘોડા પડી અને ધમાચમી થઈ રહી છે। ઘોડા પીડાને બીજા નાના વાદળાને મોટા વાદળાએ પોતાની ઓખે લઈ લીધા છે બધે કાળું કાળું થઈ ગયું દીવો તો કોણ જાણે ક્યાં ચાલ્યો ગયો।
मेरे लिए वन हुआ। एक नानो वर्णन बोलूं, आ रात आई की जाए तो अंधारो मते। आपने सारा कपड़ा मेरे लिए फरवा चाहिए नहीं घूमत करिए। क्या कहा? एक छोटा सा बादल बोला, ये रात यहाँ से जाए और तो अंधेरा दूर हो जाएगा। अच्छे अच्छे कपड़े पहन के घूमने जाएंगे और मजा करेंगे। एक मोटा बादला है दीवो सड़का को, बड़ा बादला है कपड़ा पहनवा लिया, यानी कि एक बड़ा बादल ने दिया जलाया। क्या किया? दिया जलाया। वो दिए के उजाले से सब बादल ने नए नए कपड़े पहन लिए। ये नए नए कपड़े पहन लिए, राता पीला गुलाबी जामली एवं रंग बिरंगी कपड़ा पहनने बाजार पड़वा निकल गया, यानी कि कलरफुल, यानी कि रेड येलो पिंक पर्पल, यानी सभी कलर के कपड़े पहनकर घूमने निकले। नीचे कई लोगों को कहवा लग गया कि सूर्योदय खाए थे, यानी कि जो पृथ्वी पर से लोग रहते थे वो क्या कहने लगे कि सूर्योदय हो रहा है। दिवाली जोर मोटी थी एटले કેટલાક વાદળા પીળાને ફીકા થઈ જવા લાગ્યા। એમણે પેલા મોટા વાદળાને આ રીતે ફરિયાદ કરી કે મોટા વાદળાએ કહ્યું, બધા વાદળા ભેગા થઈ જાઓ અને દીવાને કહી દો કે એનો એકલાનો અહીં રાજ નથી। યાની કે દીએ કી જોર ક્યાં હોઈ? બળી હોઈ। એટલે મેં થોડે બહુ બાદલ થે વો પીલે ઓર ફીકે હોને લગે ઓર બડે વાદળો કો ફરિયાદ કી કે सब बादल साफ हो जाओ और दिए को बादल से पर यहाँ तुम्हारा अकेला कोई राज नहीं है। क्या कहा? कि यहाँ तुम्हारा अकेला कोई राज नहीं है। बड़ा वादरा भेगा थे जवा मांगा, घना वादरा भेगा थे ने एक मोटा पहाड़ जेवा काड़ा वादरा ने पाछा जाइने देखा, यानी कि जो सब बादल थे वो इकट्ठे हो गए। एक बड़ा सा काला सा बादल था और पहाड़ जैसा उनके पीछे जाके बैठ गया। क्या किया? पहाड़ जैसा उनके पीछे जाके बैठ गया। वादा भी पाछा चलने बैठा। नीचे के लोगों कहवा लगता है कि आकाश घेरा वाला है, यानी कि नीचे से लोग क्या कहने लगे कि आकाश पूरा काला हो गया है। पर दीवारों ने धमकायो नहीं, पहला मोटा वादाए पवन ने मरे रे बोला, यानी कि दिए का जो तेज था वो पूरा ढका नहीं है। वादाए पवन ने मरे रे बोला, यानी कि बड़ा बादल था उसने पवन को मदद करने के लिए बुलाया। पवन को एज गमत हुआ तो एने एनु काम शुरू कर दियो, यानी कि पवन को यही चाहिए था उसने अपना काम शुरू कर दिया। नीचे के लोगों कहवा लगा कि बाबा जरूर आ गया। क्या नीचे से लोग क्या कहने लगे कि अब तेज हवा चल रही है, अब बादल में क्या क्या हवा की गाड़ी में बैठने वाले वो भागने लगे। आकाश में डोड़ा डोड़ी पड़ा पड़ी ने धमा चक्री थी रही है। थोड़ा पीड़ा ने बीजा नाना वाड़ाए मोटा वाड़ाए पोतानी ओठे लई लीधा, बड़ा काड़ू काड़ू थी गयु। जीवो तो कौन जाए क्या चाले गयो, यानी कि आकाश में तो डोड़ा डोड़ी धमा चक्री पड़ा पड़ी हो रही थी, यानी कि बादल व्हाइट येलो छोटे छोटे बादल बड़े बादल से क्या किया? तो सब बादलों को अपने आप समा लिया। क्या किया? सब बादलों ने अपने आप समा लिया और आकाश में काला काला हो गया। दिया तो पता नहीं कहाँ चला गया। क्या हुआ? दिया तो पता नहीं कहाँ चला गया। पोता ने जीत ली, बादल की आंखों चमक लगी, यानी कि अपनी जीत से बादल की आंखें चमकने लगी। क्या? जो अपनी जीत थी उससे बादल की आंखें चमकने लगी। नीचे की लोगों कहवा लग गया कि बिजली झपकवा मानी, यानी कि जब बादलों की आंखें चमकने लगी तब नीचे से लोग क्या कहने लगे कि बिजली लगी है। एक बिजली सामे आंखों चमकावता वादला पहला दीवाली सामे जोर थी हंसवा लग गया, खूब जोर थी फटफट हंसवा लग गया। नीचे की लोगों कहवा लग गया कि आकाश गाजवा मानी और આ મોટી જીતના આનંદમાં વાદળા એટલું હસ્યા એટલું હસ્યા એટલું હસ્યા કે એમની આંખોમાંથી આનંદની ધારાઓ વહેવા લાગી। ધરતી પરના લોકો કહેવા લાગ્યા કે વરસાદ વરસવા માંડ્યો, યાની કે બાદલ એક દૂસરે કે સામે આંખ ચમકાવતે બાદલ દિયે કે સામે હસને લગે, ક્યાં જોર જોર સે હસને લગે। નીચે સે બીજે સે બોલને લગે કે આકાશ ગરજને લગા હે। ક્યાં બોલને લગે?
कितने करेंगे। पची हरी फरी गम्मत करी, बता वादरा पोत पोतानी घेर चाले गया, धरती बना लोगों कहवा लग्या, ये वर्षा हवे बन भयो। यानी कि ये सब क्या था, ये सब हंसी मजाक था, क्या था हंसी मजाक था, बता वादरा पोत पोतानी घेर चाले गया, यानी कि सब बादल अपने अपने घर चले गए और धरती बना लोगों कहवा लग्या, ये वर्षा हवे बन भयो। धरती पर के लोग जो थे नीचे वो क्या कहने लगे, अब बारिश बंद हो गई है। तो मित्रों आपको ये कहानी समझ में आ गई होगी। अब हम प्रश्नों के उत्तर देखते हैं। तो पहला, वादराए एवं शू करू जे तमने सौथी वधु गम्यू। तो इसका आंसर ये आएगा, जयरे वादराओ राटा पीरा गुलाबी जामली एम रंगबेरंगी कपड़ा पहरीने फरवा निकलिया ते जोवानू अमने सौथी वधु गम्यू। सेकंड, वार्तामां जे वाक्य तमने सौथी वधु गम्यू होय तेनी नीचे लीटी करो। यानी कि मैंने जो आपको कहानी कही है उसमें आपको जो वाक्य अच्छा लगा है वो आपको लिखना है। थर्ड, तमने वादरानू कया रंगनू कपड़ू सौथी वधारे गम्यू। तो मने राटा गुलाबी जांबली एम सभी रंग के कपड़े अच्छे लगे। तमे वादरू हो तो तमे शू करो, यानी कि अमे वादरू होय तो अमे पण वादरानी जेम हसवा लागीए अने पछी तेमनी जेम ज वरसवा लागीए। सूर्य उगे त्यारे आकाशमां अने धरती पर शू शू देखाय छे। तो सूर्य उगे त्यारे आकाश रंगबेरंगी प्रकारना फैलाय छे, पक्षीओ कलरव करवा लागे छे अने सूर्य उगतानी साथे धरती परना लोको पोतपोतानुं काम करवा लागे छे। सिक्स, वादरू क्यां वरसे तो तमने सौथी वधु गमे। तो वादळો અમારા ઘરની આસપાસ વરસે તો અમને વધુ ગમે। સેવન, તમે વાદળાનો ગડગડાટ સાંભળો ત્યારે તમને આકાશમાં શું થતું હોય તેવું લાગે છે। તો અમે વાદળાનો ગડગડાટ અવાજ સાંભળીએ ત્યારે વાદળાઓ એકબીજા સાથે લડી રહ્યા હોય એવું અમને વધારે ગમે છે। પવન ખૂબ જોરથી ફૂંકાય ત્યારે શું શું ઉડે છે। તો પવન ખૂબ જોરથી ફૂંકાય ત્યારે આજુબાજુના ઝાડ હળવા લાગે છે, આકાશમાં ધૂળની ડમરીઓ દેખાય છે, કેટલાક ઘરના નળિયા અને પતરાઓ ઉડવા લાગે છે અને આજુબાજુની હલકી વસ્તુઓ આકાશમાં ઉડવા લાગે છે। અબ નેક્સ્ટ, સાચું હોય તો રાઈટ કરો અને ખોટું હોય તો રોંગ। ફર્સ્ટ, કેટલાક વાદળાને ધરતી પર ફરવા જવાનું મન થયું। તો ઇસમે ક્યા આન્સર આયેગા, રોંગ। સેકન્ડ, વાદળા રંગબેરંગી કપડાં પહેરીને ફરવા નીકળ્યા। तो ये राइट है, इसमें आंसर क्या आएगा, राइट। थर्ड, वादड़ा एक पहाड़ नी पाछा जाइने बैठा। तो ये राइट है क्या रॉन्ग, तो ये राइट है। फोर्थ, मोटा वादरे नाना वादड़ा ने पोतानी ओठे लई लीधा। तो क्या ये राइट है क्या रॉन्ग, तो ये राइट है। फाइव, वादड़ा बड़बड़ाट हंसवा लग गया। तो ये राइट है क्या रॉन्ग, ये रॉन्ग है। नेक्स्ट, एक ज शब्द में उत्तर लखो। फर्स्ट, वादड़ा भेगा थईने कोनी पाछळ जईने बैठा। तो इसका आंसर क्या आएगा, मोटा वादड़नी। सेकंड, वादड़ा कोनी गाड़ी में बेसीने दौड़वा लग गया। तो पवननी गाड़ी में। थर्ड, वादड़ाए दीवो सळगाव्यो त्यारे नीचेथी लोको शू थयुं एम कहेवा लाग्या। तो सूर्य उग्यो। ધરતી પરના લોકોએ વીજળી ઝબુકે છે એમ કહ્યું ત્યારે વાદળા શું કરતા હતા, તો વાદળા આંખો ચમકાવી રહ્યા હતા। ફાઈવ, પવન પોતાનું કામ શરૂ કર્યું તેથી ધરતી પર શું આવ્યું, વાવાઝોડું। ક્યાં, વાવાઝોડું। નેક્સ્ટ, નીચેનામાંથી સાચા અર્થવાળા વાક્ય સામે રાઇટ કરો। તો ફર્સ્ટ, ગુલાબી ઠંડી હતી, ગુલાબી રંગની ચાદર ઓઢીને ઠંડી આવી હતી, મજા પડે એવી ઠંડી આવી હતી, खूब वधारे ठंडी हती। तो यहाँ तीन ऑप्शन दिए गए हैं, उसमें राइट क्या है, तो खूब वधारे ठंडी हती। तो इसमें क्या करना है, राइट करना है। सेकंड, सूर्योदय थयो। तो पहले, सूर्य ने लोगों की दया आवती हसे। सेकंड, सूर्य उग्यो हसे। थर्ड, सूर्य अने उदय नो झगड़ो थयो हसे। तो इसका आंसर क्या आएगा, सूर्य उग्यो हसे। थर्ड, वादड़ा पवन की गाड़ी में बेसी दौड़वा लाग गया। પવનના ધક્કાથી વાદળ ઝડપથી ખસતા હતા, વાદળા ડરતા હતા, પવનની ગાડી ખૂબ જ ઝડપથી ચાલતી હતી। તો ઇસકા આન્સર ક્યા આયેગા, વાદળા ડરતા હતા। નેક્સ્ટ,
वाक्यों ने वार्ता प्रमाणे गोठवा क्रम आपो, यानी कि जो मैंने आपको कहानी कही है उस कहानी को आपको पढ़ना है और पहला वाक्य कौन सा आता है वो आपको लिखना है। तो पहला कौन सा आता है, कुकड़ो कुकड़े कूप करते हो, तो ये फर्स्ट। सेकंड, सवार थई। थर्ड, बधा वादड़ाए कपड़ा पहेर्या। फोर, वादड़ा खूब मोटा काला वादळनी पाछळ भेगा थई गया। फाइव, वादड़ा आकाश में दौड़वा लाग्या। सिक्स, वादड़ानी आँखों चमकवा लागी। सेवन, वरसाद वरसवा मांड्यो। नेक्स्ट, आवुं थाय त्यारे तमने शुं थाय एनो क्रम इस बॉक्स में लिखना है। फर्स्ट, वावाझोड़ू आव्यु होय एवुं लागे, वरसाद आव्यो होय एवुं लागे, सूर्योदय थयो होय एवुं लागे, वीजळी थाय एवुं लागे। तो फर्स्ट, वादड़ाना हाथीए सूंडथी मोटा फूफाड़ा कर्या, तो इसमें दो लिखना है और इसका आंसर क्या आएगा, वरसाद आव्यो होय एवुं लागे। सेकंड, आकाश में मोटी ट्यूब लाइट चालू थई, तो इसमें थर्ड, यानी कि इसका आंसर क्या आएगा, सूर्योदय थयो होय एवुं लागे। थर्ड, गुस्से थई वादड़ा झगड़िया, तो इसमें क्या आएगा, फर्स्ट, वावाझोड़ू आव्यु होय एवुं लागे। फोर्थ, वादड़ाओए दिवाळी उजवी, तो इसमें क्या आएगा, फोर्थ में क्या है, वीजळी थाय एवुं लागे। फाइव, आखी धरती पर फैलाय एवडो फुवारो छोड्यो, इसमें क्या आएगा, सेकंड, तो सेकंड में क्या है, वरसाद आव्यो होय एवुं लागे। सिक्स, एक विशाळ कार्यनी आज्ञाओए बरणीमां मीटिंग करी। थर्ड, तो इसमें क्या आएगा, थर्ड, तो सूर्योदय थयो होय एवुं लागे। सेवन, ऊपर कोईए मोटो नळ चालू कर्यो, तो इसमें क्या आएगा, सेकंड, तो सेकंड में क्या है, वरसाद आव्यो होय एवुं लागे। एट, आकाशनी परीओए वाळ धोया, तो इसका आंसर क्या आएगा, डो यानी कि वरसाद आव्यो होय एवुं लागे। नेक्स्ट, चालो गाइए गीतरू, रीडिंग क्रिकेटनी रीते वादळानी गम्मत वाँचो, मोटेथी वाँचो, તો નાનકડો મેહુલો વરસાદ સાથે વાતો કરે છે, વરસાદભાઈ ઓ વરસાદભાઈ, થોડી વાર રોમવા અટકાવીને મારી વાત સાંભળો ને, કેમ છો તમે, આ બધા કહે છે વરસાદ પડે છે તે તમને વાગતું નથી, હું પડું તો ખૂબ વાગે, તમે જમીન પર પડો છો ત્યારે સરસ અવાજ આવે છે, તમે તો જાત જાતના અવાજ કાઢી શકો છો, નળિયા પર પડો ત્યારે જુદો અવાજ, પતરા પર પડો ત્યારે ખન ખન જેવો, જાણે ઝાંઝરનો અવાજ અને પાણીમાં પડો ત્યારે ટપ ટપ, તમને બારીના સળિયા પર ને ઝાડના પાંદડા પર ઝૂલતા મેં જોયા છે, સૂરજ દાદાનું અજવાળું તમારા પર પડે ત્યારે તો તમે મસ્ત સ્મિત કરો છો, અચ્છા પણ એ તો કહો છો તમે ક્યાંથી આવે છો, તમે મને ત્યાંથી લઈ જશો। નેક્સ્ટ, આ ફકરામાંથી તમને ગમતા બે વાક્યનું અનુલેખન કરો, યાની કે इस पैराग्राफ को दिया गया है तो उसमें आपको जो वाक्य अच्छा लिखता है वो उसमें लिखना है। नेक्स्ट, जे वाक्य होय तेनी पाछळ पूर्ण विराम मूको, यानी डॉट, अने बॉक्स में लखो, वाक्य न होय तेनी पाछळ नथी लखो, यानी कि वो नहीं है तो उसके पीछे नथी लिखना है। अमने वार्ता सांभळवानी मजा पड़ी, तो इसमें क्या आएगा, छे, अमे रोज सांजे बाग में फरवा નથી, તો ઇસમાં આન્સર ક્યાં આવેગા, નથી। સેકન્ડ, ઉનાળામાં તો અમને ખૂબ જ ગરમી, તો ઇસમાં આન્સર ક્યાં આવેગા, નથી। બધા વાદળા પાણી ભરીને આવ્યા, તો ઇસમાં આન્સર ક્યાં આવેગા, છે, મારે એરોપ્લેનમાં બેસી દિલ્હી જવું છે, તો ઇસમાં આન્સર ક્યાં આવેગા, છે। ફાઈવ, દિલ્હી પહોંચી હું કુતુબ મિનાર જોવા, તો ઇસમાં આન્સર ક્યાં આવેગા, નથી। નેક્સ્ટ, ગીત, રીમઝીમ રીમઝીમ વરસી ફોરા, ધરતી પર તો આવ્યા છે, કોણે આ ફોરાના પગમાં ઝાંઝરિયા પહેરાવ્યા છે, થાય મને કે દોડી દોડી આંગણમાં જઈ આવું હું, સૌ તબુકલા એ ફોરાને ખોવામાં લઈ આવું હું, કોણ દેશથી આવે ફોરા, કોણ દેશ એ જાસે જી, ઝરહર ઝરહર સૂરજ તેજે મરક મરક મરકાશે જી, કોણ તને મોકલતું ફોરા, કોણ તને બોલાવે છે, અલક મલકથી આવી પાછું અલક મલક તું જાવે છે, તો ઇસ પોએમ કિસને લિખી હે, કિસ કવિને લિખી હે, કાંતિ કડિયા। નેક્સ્ટ, સરખા અક્ષરો વારંવાર આવે એવા શબ્દો કવિતામાંથી શોધીને લખો, આવા અન્ય શબ્દો પણ જાણીને લખો અને મોઢેથી બોલો, તો કોન્સા કોન્સા હે વો આપકો પોએમ મેં દેખના હે ઓર લિખના હે, તો પહેલે રીમઝીમ,
डौड़ी डौड़ी, जड़हर जड़हर और मरक मरक। नेक्स्ट, एक हो त्या एक अने एक थी वधु हो त्या वधु लखो। मैं तड़ाव में चार बतक जोया तो वधु। सेकंड, वांदरा ने केड़ा भावे छे वधु। पानी में बतक तरतू हतु एक। फोर, झाड़ पर वांदरो बैठो छे एक। फाइव, गाम में घना ढोर होय छे वधु। जुओ वाचो अने सरखावो। यहाँ फर्स्ट में दो पिक दिए गए हैं, तो फर्स्ट में क्या दिख रहा है, दूसरे में क्या दिख रहा है? तो फर्स्ट में एक कागड़ो दिखाए छे, बीजा में घना बड़ा कागड़ो दिखाए छे। तो इसमें आंसर क्या आएगा, एक एग्जाम्पल दिया है कागड़ो, तो पहला में क्या है, एक कागड़ो छे, तो एक कागड़ो। दूसरे पिक में क्या है, एक करता वधु यानी कि एक करता वधारे कागड़ाओ छे, तो कागड़ा। सेकंड, आ टोपली में एक ईंडू छे, तो एक तो ईंडू, अने दूसरे पिक में क्या है, एक से ज्यादा है, तो ईंडा, बहुवचन। छोकरी ना हाथ में भमरडो छे, तो देखिए पिक्चर में भमरडो, और इसमें क्या है, दूसरे चित्र में दुकान में भमरडा छे, तो इसका आंसर क्या आएगा, भमरडा। फोर्थ, एक फुग्गो उड़ी गयो, तो इसका आंसर क्या आएगा, फुग्गो। बे फुग्गा रह गया, तो इसमें दो दिख रहा है, तो इसका आंसर क्या आएगा, फुग्गा, यानी कि ये एक वचन और ये बहुवचन। साचा वाक्यनी सामे राइटनी निशानी करो। अहीं बे माटलू छे, अहीं बे माटला छे, तो आगे जो हमने किया वो इस तरह करना है। अहीं बे माटला छे यानी बे एटले इसमें आएगा आंसर राइट। त्यां तौन चकलीओ छे, त्यां तौन चकली छे, तो आंसर क्या आएगा, त्यां तौन चकलीओ छे। चार वांदरा छे, चार वांदरू छे, तो इसका आंसर क्या आएगा, चार वांदरा छे। मारा पप्पाए मने मारू गमतू पुस्तको भेट में आप्यू। मारा पप्पाए मने मारू गमतू पुस्तक भेट में आप्यू, तो इसका आंसर ये आएगा, मैं तड़ाव में बतक जोया, मैं तड़ाव में बतक जोयू, तो इसका आंसर क्या आएगा, मैं तड़ाव में बतक जोया। वार्ता वाचो यानी कि आपको ये कहानी सिर्फ सुननी है। सृजन अने प्रज्ञोत बे पक्का भाईबंद, जयरे पण भेगा थाय कंईक अवनवुं ज करे, आजे एमणे वार्ता बनावानुं विचार्युं। वार्तानुं एक वाक्य सृजन बोले छे अने एना पछीनुं प्रज्ञोत बोले छे। बंने वाक्य जोड़वानी एवी रमत रम्या के जेथी वार्ता बने। पहेलो वारो सृजननो आव्यो। सृजन, एक मोटी नदी हती। प्रज्ञोत, ए नदीना किनारे घणा वृक्षो हता। एक विसर बदलो पण हतो। सृजन, वडनी तो वडवाई હોય ને એના હિચકા ખાવાની મજા પડે। પ્રજ્ઞોત, અને એ વડના ઝાડ પર પક્ષીઓના માળા હતા। એક માળો એવો હતો જેમાં એક કાબર રહેતી હતી। સૃજન, આ કાબર કલબલ કરીને આજુબાજુના ઝાડ પરથી અન્ય કાબરોને બોલાવે છે। પ્રજ્ઞોત, વડલાની નીચેના દરમાં એક વાટોડિયણ કીડી રહેતી હતી। તેની બાજુના દરમાં મકડો રહેતો હતો। સૃજન, એક કીડી અને મકડો ડરમાંથી બહાર નીકળીને કાબર બહેન સાથે વાતો કરે છે। પ્રજ્ઞોત, કાબર આકાશની વાતો કરે ને કીડી મકડોનો ડરની વાતો કરે છે। સૃજન, એક વખત બન્યું એવું કે ચોમાસામાં ખૂબ વરસાદ પડ્યો, આ નદીમાં તો પૂર આવ્યું। પ્રજ્ઞોત, એટલું બધું પૂર આવ્યું એ બંનેના ડરમાંથી પાણી ઘૂસી ગયું। સૃજન, કાબરો કલબલત કરવા માંડી, નદીઓ છલકાવા લાગી, એવામાં ત્યાં સરસર સર કરતો મગર આવ્યો। કહ્યું, ફિકર ના કરો, ચાલો બધા મારી પીઠ પર બેસી જાઓ, આપણે કોઈ ઊંચા પહાડ પર જતા રહીએ। પ્રજ્ઞોત, પછી તો કીડી મકોડાએ અન્ય કીડીઓને અને મકોડાને બોલાવ્યા। સૃજન, એટલું જ નહીં, કાન ખજૂરા અને વીછીઓ પણ આવ્યા। પ્રજ્ઞોત, બધા મગરની પીઠ પર બેસી ગયા। ગામના લોકો તો આ કૌતુક જુએને અચરજ પામે, આવું દ્રશ્ય આજ પહેલાં એમણે ક્યારેક જોયું ન હતું। સૃજન, અને મગરની પીઠ પર સવારી કરનાર જીવજંતુઓને તો જે મજા પડી છે કે ના પૂછો। નેક્સ્ટ, ચાલો લખો, તો ઇસમેં યે ગુજરાતી વર્ણ દિયા ગયા હે, તો પહેલાં ક્યા હે, ડ, તો ઇસ બોક્સ મેં આપકો ઉપર દિયે હે ઇસ તરહ નીચે કે બોક્સ મેં લિખના હે, તો દેખીએ પહેલે એસે લિખના હે, इस तरह ये तीनों वर्णों को आपको लिखना है। टू और ड्र शब्दों वाँचो अने लखो, तो ये शब्द आपको रीडिंग करना है। विद्या, सृष्टि, दृष्टि, दृश्य, उद्यम, उद्यत, विद्यार्थी, विद्युत, दृढ़ता, दृष्टांत,
सृजन दृष्टिकर्ता, दृष्टि क्षेत्र दृष्टिहीन सृष्टि विज्ञान। तो मित्रों आपको ये यूनिट में समझ में आ गया होगा। अब आपको होमवर्क में क्वेश्चन नंबर पेज नंबर 18 पे फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ और फिफ्थ होमवर्क में लिखना है। थैंक यू।